हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम इज शिवांश मसीह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, प्लस कौन से स्टॉक्स पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आज की मार्केट पर अगर हम लोग बात करें तो आज की मार्केट में हम लोग ने देखा था कि एक गैप ओपनिंग हुई थी, ऊपर लेवल्स पे सस्टेन भी करा था, बट हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल था जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेजा भी था, वहां पर हम लोगों ने देखा वहां पर इसने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो क्रिएट करा, उसके बाद हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे कहा था कि यस मार्केट एक गैप अब ओपन खुल रही है, बट मार्केट वीक है, अभी भी कोई पॉजिटिव साइन दिखा नहीं है कि मार्केट अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक कर सकती है। सो वहां पर उन लोगों ने रेजिस्टेंस फेस करा है, दोबारा मार्केट नीचे आई है। अब बस देखना यह है कि जिसका प्रीवियस लो है अगर उसे ब्रेक नहीं करती और बीच में से ही रिवर्स करके ऊपर जाती है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और हायर पॉसिबिलिटी कि यहां से मार्केट और ऊपर जा सकती है। आज के ट्रेडिंग की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी के अंदर 14,898 तक के लेवल्स देखने को मिले थे और अपने लाइफ टाइम हाई तक वो पहुंचने वाली थी, बट पहुंच नहीं पाई और वहां से हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। सो यस, ये एक पॉसिबिलिटी है 15,900 का। सो अगर उसे ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 16,000 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट 16,000 की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, अगर हम लोग इस एक्सपायरी की बात करें तो देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी की वो 16,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे और वहां सस्टेन करें, ठीक है। बट अभी दो दिन बचे हैं, लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। बात करते हैं कल की मार्केट का, तो कल के मार्केट के लिए मैंने तीन स्टॉक्स बाय के लिए रखे हुए हैं, दो स्टॉक्स सेल के लिए रखे हुए हैं कि बाय चांस मार्केट कोई भी डायरेक्शन पे जाए हम उन स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड गाइज, अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा, वहां पर भी मैं दो स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस आप लोगों को बताता हूँ जिसपे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। पांच स्टॉक्स यहाँ पर होते हैं, सो इन टोटल 7 स्टॉक्स आपको मिलते हैं। सो इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लस एंजल ब्रोकिंग में आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करवाइए। विद इन 5 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और विद इन 1 आवर आप लोगों को लॉग इन की क्रेडेंशियल्स मिल जाएगी। और वहां पर आप लोगों को अभी 7 जुलाई तक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ रही है, प्लस आप लोग डिलीवरी पे भी 4 गुना का मार्जिन लेकर काम कर सकते हैं। सो वहां पर बहुत अच्छी चीज है, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट ओपन करवाइए। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बाय करने की सलाह दूंगा। मैंने आप लोगों को इंडिया सीमेंट भी दो तीन दिन से दे रहा हूँ एंड वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक सीमेंट सेक्टर के अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कर क्या रहा है, सबसे पहले आप लोगों को दो ये रेड कलर की ट्रेंड लाइंस को देखना है। आप सिंपल देख पा रहे हैं कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर, एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। अब राइजिंग चैनल के अंदर ये काम कर रहा है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ये काम कर रहा है। अब आपको मैंने जब टॉप्स कनेक्ट करे, अब ये देख रहे हैं ये टॉप्स कनेक्ट करे एंड मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न भी और इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है। सो यहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटीज दिख रही है, एक तो एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है जिसका टारगेट एक हायर साइड, दूसरी चीज एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। सो यहाँ पर अब अच्छी पॉसिबिलिटी है बाय करने की, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है, हमें टारगेट्स भी पता है कहाँ तक जा सकता है और यहाँ पर हम लोगों को अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर बाय चांस कल मार्केट पॉजिटिव रहती है या साइडवेज रहती है तो ये स्टॉक अच्छे वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है। अभी करंट प्राइस है इसका 6858 का, 683 के ऊपर आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। 6735 एंड 6848 का टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, तो आप लोग यहां पर इसे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो हमारा सेकंड स्टॉक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में आप लोगों को मैं एक स्विंग ट्रेड दे रहा हूं, आप लोग इसे बाय करके चल सकते हैं और यहां पर इसका जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा अच्छे है। अगर मैं बात करूं इस पर क्या पैटर्न बन रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली विजिबल है एक बुलिश और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना है एंड इसका एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसने ब्रेकडाउन दिया था सितंबर 2019 पे और उसके नीचे ही कब से ट्रेड कर रहा था, बट इवेंचुअली आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने एक वीकली ब्रेकआउट दिया है एंड यहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर फ्राइडे तक ये 150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, फ्राइडे जो ये वीक का फ्राइडे है, अगर यहां पर ये 150 तक सस्टेन कर जाता है तो 190-200 तक के टारगेट्स भी हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक, अब बात करें, देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी अभी वीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा एक हफ्ते के अंदर डेढ़ हफ्ते के अंदर इसका टारगेट आ जाएगा, बट अगर आप इसे होल्ड करे रहेंगे, आपका स्टॉप लॉस जहां पर आपको गिवन है इसे मेंटेन करे रखेंगे तो आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर आपको 190 तक के टारगेट्स या 200 तक के टारगेट्स बहुत इजीली ये दिखा सकता है। बात करते हैं परसेंटेज रिटर्न की। सो परसेंटेज जो ये पर्टिकुलर स्टॉक दे रहा है 35% तक का ये रिटर्न दे रहा है आपको विद इन 3 मंथ्स, आई थिंक इट्स वेरी गुड, आप लोग इसे बाय करके चल सकते हैं।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा फंड एक ही स्टॉक के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो आप लोग कम क्वांटिटीज पे ट्रेड करिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, बट जब पैटर्न बन रहा है तो मैं पैटर्न के ऊपर ट्रस्ट करके इस पे बाय पोजीशन डेफिनेटली इनिशिएट करूंगा। सो आप लोग इसे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। लेवल्स, एंट्री पॉइंट, टारगेट स्टॉप लॉस आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको गिवन है। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा थर्ड स्टॉक है हेवेल्स। हेवेल्स पे आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है यहाँ पे भी, और यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है, एक डिमांड जोन है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आके हेवेल्स रीटेस्ट करा है, सपोर्ट लिया है एंड उसके बाद एक क्लियर बाउंस बैक दिया है, और ये जो इसका येलो कलर का एक सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है, वहां पर आके हम लोग एक सेलिंग प्रेशर देख लेते थे। बट ये एक स्विंग ट्रेड नहीं है, ये भी एक इंट्राडे ट्रेड है। मैं जनरली अब इंट्राडे ट्रेड्स क्यों थोड़े से दे रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज मार्केट अभी अनसर्टेन है। मार्केट बहुत तेजी से गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, बहुत जल्दी हम लोग गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, सो हमें रिस्क अभी स्विंग ट्रेड्स पे ज्यादा नहीं लेनी है। सो इसी वजह से इंट्राडे ट्रेड में थोड़े से पैसे अर्न करो एंड अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, कोई भी ज्यादातर चीजें होल्ड करके मत चलो जब तक मैं आप लोगों को ज्यादा श्योरिटी के साथ वो स्विंग ट्रेड ना दूं, फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक, ठीक है। सो आप लोग इसे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। अभी का इसका करंट प्राइस है 999999 का इसका करंट प्राइस है, 1006 रुपीज के ऊपर आप इसे बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक मेरे ही एक क्लाइंट ने मुझे सजेस्ट करा था, मतलब मेरे पास टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था कि सर ये स्टॉक को चेक करिए एंड आई थिंक स्टॉक बेटर है, तो आप लोग डेफिनेटली इसे बाय करके चल सकते हैं। सो 1006 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, यू कैन गो फॉर अ बाय। 1021 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 10 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। बात करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की। हमारा फोर्थ स्टॉक है HDFC AMC। ये वाला स्टॉक मैं आप लोगों को शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूँ। ये स्टॉक डेफिनेटली आज मैंने खुद इस पर पर्सनली एक बाय साइड पे ट्रेड लिया था, बट वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट ये स्टॉक डेफिनेटली अभी भी मेरी रेडार में, अगर मुझे लोअर लेवल्स को मिलेगा मैं डेफिनेटली इसे बाय करूंगा क्योंकि ये स्विंग ट्रेड के लिए बेटर है। बट मुझे लग रहा है कि कल एक छोटी सी डिप आ सकती है और वहां पर हम लोग सेल साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा अभी क्या हो रहा है। सबसे पहले वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन एक ऊपर से चलती हुई आ रही है, एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ देखेंगे, कंटिन्यूसली ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म कर रही है। हुआ क्या आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, ये देखिएगा, इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 15 मिनट की कैंडल ऊपर सस्टेन करी थी, मैंने यहाँ पर एक बाय सेटअप जनरेट करा, बट इवेंचुअली वो थोड़ा सा ही ऊपर गया एंड उसके बाद नीचे आ गया। यहाँ पे आप मुझे क्या लग रहा है, ये वाली ग्रीन जोन देख रहे हैं, ये इसके लिए एक सपोर्ट हो चुका है, एक रेजिस्टेंस हो चुका है सॉरी, एंड मुझे लगता है ये लोअर लेवल्स पे एक बार दोबारा आ सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस इसका है 2961 का। अगर 2957 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वहां से आप लोगों को 20 से 25 रुपए बहुत इजीली मिल सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप लोग सेल साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बट ये बाय साइड में भी जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक वीक है, बट यहाँ थोड़े से चांसेस हैं कि कल ये डिप दे सकता है मॉर्निंग में। बट अगर कल ये इसके ऊपर खुल जाता है 2980 के ऊपर, तो वहां पर आप लोग इसे बाय करके भी चल सकते हैं। 3000 से 3020 के लेवल्स भी दोबारा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे दोनों साइड में ट्रेड है, आप लोग इस पर बना सकते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स पे भी आप लोगों को सेल करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक अपमूव आई, एक राइजिंग चैनल, एक ट्रेंड लाइन, एक राइजिंग चैनल के अंदर ही पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा था। इवेंचुअली उसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला हम लोगों को एंड यहाँ पर अभी तक इसने एक सपोर्ट लिया जो कि 3010 रुपीज के आसपास का लेवल है। अब आप देखेंगे मैंने ये ग्रीन कलर की एक लाइन बना दी है जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था और इसका एक ब्रेकआउट दिया था। अभी तक आके इसने पहली बार भी एक बार रीटेस्ट करा नहीं है जहां से ब्रेकआउट दिया था। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कल एक बार ये नीचे आ सकता है। सो यहाँ पर हम लोग इस नीचे का फायदा उठा सकते हैं और मुझे लगता है यहाँ पर आएगा तो यहाँ से एक बाइंग दोबारा आ सकती है। सो आप लोगों को करना क्या है, अभी करंट प्राइस है एशियन पेंट्स का 3010 रुपीज का, 3006 या 7 रुपीज के नीचे अगर जाता है तो आप लोग शॉर्ट करिए। 2985 का टारगेट होगा एंड 3012 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ से अच्छे टारगेट्स नीचे की साइड में दे सकता है और आप लोग जल्दी एग्जिट करेगा क्योंकि स्टॉक अच्छा है, आप लोगों को यहाँ से एक बार रिकवरी देखने को भी मिल सकती है, ओके। सो बात करते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। सो निफ्टी का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल क्लियरली एक चीज बताई थी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे, ये जो ब्लू कलर का जोन है ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं कर रही है जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास पहला टारगेट ये है एंड सेकेंड टारगेट ये है, और अगर नीचे ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट ये है एंड सेकेंड टारगेट ये है। हुआ क्या, जब मार्केट आज ओपन हुई तो पहले टारगेट के ऊपर ही ओपन हुई। सो यहाँ पर जो रिस्क था, जो ये रिस्क था वो ज्यादा बढ़ चुका था,
ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने का कोई मोटिव नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था इस लेवल पे, आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम एग्जैक्ट निफ्टी यहाँ पर आया, उसके बाद हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिली है। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, देखिए जो ये गैप डाउन था, ये जो गैप अप था, इस गैप को तो फिल कर चुका, अब अगर ये दोबारा इस रेंज के अंदर आ जाता है तो भी ट्रेड नहीं करना। अब अगर कल ये नीचे आता और दोबारा रेंज के अंदर आ जाता है तो कोई ट्रेड नहीं करना, बट अगर कल इस रेंज के नीचे गैप डाउन ओपन होता और यहाँ पर गैप डाउन होता, मतलब 15,680 के आसपास अगर ये गैप डाउन होता है, तो डेफिनेटली आप लोग एक शॉर्ट बना के चल सकते हैं, बट पहले 5 मिनट इसका प्राइस एक्शन चेक करना कि कर क्या रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन होता तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि दोबारा ऊपर या रेंज के अंदर स्टार्ट करता है, अगर ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और 5 मिनट की कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा। अगर ये दोबारा ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, हम लोगों को इसके अंदर भी ट्रेड नहीं करना। जब इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा 15,820 के ऊपर और 5 से 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग बाय करेंगे, जो हमारा पहला टारगेट होगा यही होगा, ठीक है। बिकॉज अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपने न्यू लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाएगा, सो वहां पर हम लोगों को पहले पेशेंसली चेक करना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसने ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ना, इस रेड कलर की लाइन को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। इसके ऊपर यस ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन भी करा, कम से कम 1 घंटा उसके ऊपर सस्टेन करा, यानी कि इंडिकेशन दे रहा है कि बायर्स भी है, अगर नीचे आएगा तो बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है सो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, बट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पर हम लोग यही समझेंगे कि अभी भी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलर्स मार्केट के अंदर अभी भी ज्यादा है, जो इंडेक्स को नीचे लेकर जाने में हायर चांसेस है। सो अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और अगर नीचे ही जा रहा होता है, सो मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग 16,000 की कॉल को शॉर्ट करके चल सकते हैं और एक्सपायरी में आपको वो कॉल की शॉर्ट पैसा अच्छा कमवा के दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, अब आप देखिएगा ये जो हाइस थे, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, अब नीचे आ रहा है, अब इसका ये वाला लो है। अब अगर इस लो को ये ब्रेक नहीं करता और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ये देख रहे हैं, अगर ये नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो दो टारगेट्स हैं, दो टारगेट्स पे भी अगर ये यहाँ से भी बाउंस कर जाता है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो भी हम कहेंगे कि एक रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम लोग कल क्लियरली और अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो हम लोग अपने बैंक निफ्टी के चार्ट सेटअप पे आ चुके हैं, यहाँ पर भी आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं आज क्या हुआ। सबसे पहले तो ये अपने नो ट्रेडिंग जोन पे ही अपने इसने कल क्लोजिंग दी थी, उसके बाद एक गैप अप ओपन हुआ जो हमारा पहला जिस लेवल पे हमें बाय करना था ऑलमोस्ट उससे 100 रुपए ऊपर ओपन हुआ, सो वहां पर जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो बहुत कम हो गया। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया, अब ऊपर जाने के बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस मल्टीपल इस जोन पे रेजिस्टेंस था, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू निफ्टी वहाँ रेजिस्टेंस टेस्ट करा, इसने यहाँ रेजिस्टेंस टेस्ट करा एंड उसके बाद नीचे आ गया। अब हम बात करें तो निफ्टी भी अपने नो ट्रेडिंग जोन पे एंटर करा नहीं है, बट ये एंटर कर चुका है। अब अगर कल इस पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और वो ट्रेडिंग जोन के अंदर एंटर करता है नो ट्रेडिंग जोन के अंदर, तो क्लियरली इसका भी ब्रेक डाउन आएगा। अगर इसका एक क्लियर ब्रेक डाउन आता है तो ये अपने दोबारा इस लेवल्स तक आ सकता है। इसके अलावा अगर हम एक लेवल और फाइंड करना चाहें तो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये कल ब्रेकडाउन देता है 34,600 का, सो ये 34,450 तक भी आ सकता है बहुत इजीली। सो आपको करना क्या है, अगर शॉर्ट बनाना चाहते हो सो 34,600 के नीचे शॉर्ट बनाओ, 34,450 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय तभी करोगे जब ये 34,900 के ऊपर क्लोज होगा। 34,900 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, 34,000, 35,000 एंड 35,100 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है। सो अभी ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही है, अगर इस जोन के अंदर रहता है तो कोई ट्रेड नहीं करना, लोअर साइड में शॉर्ट है, अपर साइड में बाय है, ठीक है। सो आई होप आप लोग कल अच्छे से ट्रेड कर पाए, कल वेडनेसडे है, सो कल आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कल बैंक निफ्टी थर्सडे को या मंथली एक्सपायरी कैसी रह सकती है। अगर कल नेगेटिव रहती है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 16,000 के ऊपर क्लोज नहीं देगी, और अगर ये भी नेगेटिव रहती है तो 35,300 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देगा। सो यहाँ पर आप लोग दोनों की कॉल्स को शॉर्ट करके, ऊपर लेवल की कॉल्स को शॉर्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे जो समझाया होगा वो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं गिव अवे स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस होते हैं आप लोगों को एक गिव अवे दिया जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलेगा, और उसमें से हम लोग एक विनर सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।